हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं पीयूष यादव। दोस्तों, जो कि हमारे नेता शैलेंद्र यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हम लोग बहुत मिस कर रहा हूँ। और जो कि वो विधानसभा में जा के रहने वाले हैं, उनका घर, उनका गांव जो कि नरवर चौखटा जो कि डिघिया के पास में है, इसमें हमारे मिर्जा विधानसभा के विधायक संदीप पटेल जी हैं। उनके कार्यकर्ता ये शैलेंद्र यादव सपा नेता थे, और इनको लोगों को ये इतना चाहने लगे थे, लोग इनको इतना चाहने लगे थे क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए इतना किया कि अब कुछ हम बोल ही नहीं सकते, और ये गरीबों का मसीहा बन चुके थे। कल जब इनकी डेड बॉडी जब आई ना घर पे दोस्तों, तो हम लोग देख के ना दोस्त, लोग मतलब कोई बात ही नहीं कर सकते कि लोग क्या उम्मीद रखे थे कि हमारे नेता अब नहीं रहे, और उनके लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहते थे। मैं उनसे मिलता था, सपा नेता शैलेंद्र यादव से, वो हमसे बोलते थे, यार पीयूष भाई, हमको कुछ करना है अपने गरीबों, जो गांव के गरीब हैं उनके लिए कुछ करना है, मिर्जा विधानसभा में जितने भी गरीब हैं उनके लिए कुछ करना है। दोस्त, अगर हमारे सपा नेता शैलेंद्र यादव को आप सब लाइक करते हैं, प्लीज़ उनके घर जाके आप सब अगर आप लोग उनके घर जाके उनकी आत्मा को शांति देंगे ना, तो बहुत उनका उपकार होगा। उन्होंने बोला था मुझसे कि पीयूष यार, अगर मैं ना रहा ना, तो बस लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि यार लोग हमारे घर आएँ, बस हमारे घर आके मेरे बारे में बातें करें, मुझे पहचानने लगेंगे ना, तो मैं उस दिन मेरे आत्मा को और मेरे परमात्मा को बहुत सुख मिलेगा, मेरे आत्मा को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत नहीं उसने बोला। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, अपने सपा नेता शैलेंद्र यादव को खोने की वजह से बड़ी दुख की बात है, और मैं अपने शैलेंद्र यादव सपा नेता को सलाम करता हूँ। और आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके तो अपने सपा नेता शैलेंद्र यादव के लिए कमेंट बहुत जरूरी है, और उनके घर जरूर आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम